हमारी गर्मा गर्म मटन पालक रेसिपी रेडी हो गई है। देखें कितनी देखने में शानदार लग रही है और खाने में इतनी ही मज़ेदार ये बनी है। आप लोगों ने इसको ज़रूर ट्राई करना है, आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। बहुत ही टेस्टी रेसिपी है जी। नाज़रीन वेलकम टू सलमान याज़ी किचन। आज अपने किचन में मैं आप लोगों के साथ बहुत ही मज़ेदार मटन पालक की रेसिपी शेयर करने के लिए जा रही हूँ, जिसके लिए मैंने पालक ले ली है। इसको मैंने मोटा मोटा काट लिया है, अब इसको हम बॉईल करने के लिए रखेंगे। पतीले के अंदर एक कप पानी डाल के मैंने गर्म होने के लिए रख दिया था, अब इसके अंदर पालक शामिल कर देंगे। पालक को हमने 2 से 3 मिनट बॉयल करना है, बहुत ज़्यादा हम बॉयल नहीं करेंगे। अगर पालक ज़्यादा बॉयल हो जाती है तो इसका कलर बहुत डार्क सा हो जाता है, हमने इसे लाइट कलर ही रखना है, प्यारा सा जो कलर होता है पालक का, इसलिए हम 2 से 3 मिनट बॉयल करेंगे। इससे सिर्फ पालक को हम 2 से 3 मिनट बॉयल होने के लिए छोड़ देंगे। पालक को 3 से 4 मिनट मैंने बॉयल कर लिया है, पालक हमारी बॉयल हो गई है, अब उसको हम ग्राइंड कर लेंगे। 1 kg मैंने मटन ले लिया था, इसको मैंने बॉयल होने के लिए रख दिया था, इसके बॉयल आ गया है। अब इसके अंदर हम कुछ मसाले शामिल कर लेंगे। 1 बड़े साइज़ की मैंने प्याज ली है, ये इसके अंदर मैं डाल दूँगी, और 2 खाने के चम्मच इसके अंदर हम डाल देंगे अदरक लहसुन का ये पेस्ट है, ये हम डाल देंगे। और साथ ही मैं इसके ऑयल डाल दूँगी 1 कप। बहुत ही लजीज ये मटन पालक की रेसिपी रेडी होती है, आप लोगों ने वीडियो को फुल वॉच करना है, आप लोगों को बहुत पसंद आएगी, ये बहुत ही यम्मी रेडी होगी। अब यहाँ पे हमने आग को तेज़ कर देना है और 1 से 2 मिनट इसको हम ऐसे ही बॉयल दिलाएंगे। 1 से 2 मिनट हम इसे बॉयल होने के लिए छोड़ देंगे ऐसे ही। अदरक लहसुन का पेस्ट, प्याज और ऑयल डालने के बाद 1 से 2 मिनट में इसको अच्छे से बॉयल कर लिया है। अब इसको मैं 5 मिनट के लिए वेट लगा दूंगी, क्योंकि मटन तो थोड़ा सख्त होता है, तो गले में जो आसानी से गल जाएगा, तो 5 मिनट के बाद में इसका वेट खोल दूंगी। मटन का हमने वेट पर लगा दिया था, तो उसके बाद मैंने जो पालक बॉयल की थी उसका मैंने पेस्ट बना लिया है। मटन को 5 मिनट वेट लगाने के बाद मैंने वेट खोल के इसके दूसरे बर्तन में डाल लिया है। अब इसके अंदर कुछ खुश्क मसाले डालेंगे, 1 चाय के चम्मच हम चिली फ्लेक्स डालेंगे, 1 खाने का चम्मच भर के जो सुर्ख मिर्च पाउडर है, 1 खाने का चम्मच सॉल्ट, 1/2 टीस्पून जो हल्दी पाउडर है, 1/2 टीस्पून जो घी डालेंगे हम इसके अंदर, 1 टेबल स्पून हम डाल देंगे खुश्क धनिया जी, यहाँ पे डाल देंगे गरम मसाला हम, वो भी 1 टेबल स्पून हम डालेंगे। ये गरम मसाला है 1 टेबल स्पून, और साथ में जहाँ पे हम डाल देंगे 7 हरी मिर्चें, ये 1/2 कप के बराबर मैंने हरी मिर्चें ली है। मैंने इसको ज़रा स्पाइसी सा बनाऊंगी, इसलिए मैंने हरी मिर्ची का इस्तेमाल ज़्यादा किया है। अब 4 से 5 मिनट इसको अपना अच्छे से भुनेंगे ऐसे ही, इनको सारा हमने अच्छे से मिक्स कर देना है, उसको हमने अच्छे से भूनना है। हमारी बहुत ही ज़बरदस्त मटन पालक की रेसिपी रेडी हो रही है, आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आप लोगों को बहुत पसंद आएगी, बहुत टेस्टी रेडी होती है। मैंने बहुत ज़बरदस्त सा ये मटन के मसाले को भून लिया, ये देखो कितनी ज़बरदस्त हमारी ग्रेवी रेडी हो गई है। यहीं पर अब इसके साथ हम पालक भी डाल देंगे, 1 से 2 मिनट मैंने इसको अच्छे से भुना है ताकि ये भी साथ साथ पकती जाए। मटन के अंदर हमने सारी पालक डाल दी है, अब इसको अच्छे से भुनेंगे। पालक के अंदर थोड़ा बहुत जो पानी है वो भी खुश्क हो जाएगा, और ये हम पालक को भी अच्छे से भून लेंगे। बहुत ही शानदार ये रेसिपी रेडी होने वाली है, आपने वीडियो को एंड तक देखना है और साथ में मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करना है। देखिए बहुत ही प्यारा कलर आ रहा है हमारे मटन पालक का, जिसके 4 से 5 मिनट पकते हुए हो गए हैं, तो अभी मैं इसको थोड़ा सा और पकाऊंगी। बहुत प्यारी खुशबू आ रही है इसकी, बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट होता है, आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा।
हमारे अंदर पालक के अंदर से पानी तकरीबन खुश्क हो गया है। अब इसके हमें 2 से 3 मिनट अच्छे से भुनाई करनी है। जितनी ये थोड़ी सी अच्छी भुनी हुई होगी तो उसका टेस्ट और ज़्यादा अच्छा आएगा। बहुत ही आसान तरीके से हमने आपके साथ रेसिपी शेयर की है। इसको बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है और बहुत कम चीज़ों में बनाई है। इसके अंदर बहुत ज़्यादा चीज़ें भी हमने इस्तेमाल नहीं की, जो घर में चीज़ें पड़ी होती हैं उन्हीं के साथ ही ये रेडी हुई है। पालक हमने अच्छे से भून लिया है। ये देखा ऑयल ऊपर आ गया है, ये अच्छे से भून चुकी है और इसकी बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है और ये बहुत मज़ेदार रेडी हुई है। आप लोगों ने इस रेसिपी को ऐसे ही बनाना है, इसे ज़रूर ट्राई करना है, मुझे अपना फीडबैक देना है और जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और साथ में बेल आइकन को भी दबा दिया करें ताकि मेरी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलते रहें। शुक्रिया।